विभाग में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। कर्मचारियों के 1600 करोड़ के साथ धोखाधड़ी की गई है। निजी कंपनी DHFL ने निवेश किया गया है। DHFL बैंक डूबने के कगार पर है। बिजली कर्मचारियों का पैसा DHFL में डाला गया है। UPPCL के कर्मचारियों का भविष्य अब संकट में नजर आ रहा है। दाऊद इब्राहिम से DHFL का लिंक भी मिला है। बिजली कर्मचारियों का 16 अरब डूबने वाला है। सरकार के बजाय निजी बैंक में पैसा रखा गया। UPPCL और ट्रस्ट ने धोखाधड़ी की है। UPPCL के ट्रस्ट ने ये फ्रॉड किया है। 16 अरब की धोखाधड़ी में FIR दर्ज की गई है। 2 दिन चले हंगामे के बाद अब FIR दर्ज की गई है। UPPCL के 2 अफसरों पर केस यहां पर दर्ज किया गया है। निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी अरेस्ट किए गए हैं। इस फ्रॉड में बड़े अफसरों के शामिल होने का भी शक है। किसके दबाव में 26 अरब यहां पर दिए गए हैं। पिछले 2.5 सालों में DHFL में जमा किए गए हैं। कर्मचारियों के GPF का अरबों रुपया फंसा है। बिजली इंजीनियर संघ ने CBI जांच की मांग की है। सौ करोड़ के स्कैम को लेकर के सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन डायरेक्टर फाइनेंस सुधांशु द्विवेदी और भविष्य निधि के लिए जो बनाया गया ट्रस्ट था उसके सचिव प्रवीण गुप्ता की आगरा से गिरफ्तारी हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोप यह है कि भविष्य निधि का तकरीबन 2600 करोड़ रुपया DHFCL नामक एक कंपनी में लगाया गया जो कि एक निजी संस्था है और खुद भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के राडार पर है। तमाम अलग अलग मामलों में उस पर पूछताछ चल रही है। ये भी कहा गया पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कि इन दोनों अफसरों ने अपने सीनियर अधिकारियों से बिना बताए ये तकरीबन 2600 करोड़ रुपए इस रकम को DHFCL को सौंप दिया, निवेश कर दिया और ये निवेश की गई रकम इस वक्त खतरे में है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी इसको मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से आनन फानन में FIR दर्ज कराया गया हजरतगंज कोतवाली में और अब जाकर के जो तत्कालीन निदेशक फाइनेंस थे और GM उनके गिरफ्तारी हुई है और ये कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा वो हवालात में होगा। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो यूपी के बिजली कर्मचारियों का 1600 करोड़ रुपए विवादित हुआ है। कंपनी DHFL में लगाए जाने के मामले में हंगामा मच गया है। श्रीकांत शर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं किस तरह से घोटाला सामने आया है। ऊर्जा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला ये सामने आया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने पहले भी जानकारी दी थी, अब इसमें ताजा अपडेट ये भी है कि PK गुप्ता को भी लखनऊ लाया जा रहा। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है और किस तरह से भारत समाचार की मुहिम अब रंग लाती भी नजर आ रही है, क्योंकि कल से ही जिस तरह से कर्मचारियों में हड़कंप था अब एक्शन भी सरकार का देखने को मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री ने इस मामले में CBI जांच के आदेश कर दिए हैं जी। अब इस पूरे मामले की जांच CBI करेगी और EOW को अभी तब तक जांच करने के लिए कहा गया जब तक CBI इस मामले को टेकअप नहीं कर लेती जी। तो बहरहाल अब इस घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। तो जिस तरह से निदेशक ने मिलकर वित्त अधिकारियों के साथ ये घोटाला किया है जी। इसमें न तत्कालीन चेयरमैन की सहमति ली गई, ना प्रबंध निदेशक की ली गई जी। और ये अपने स्तर से इन लोगों ने जो पैसा डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट संस्था को जी। अब उसकी जांच CBI करेगी, तो जो स्वाभाविक है CBI जांच करेगी तो बहुत लंबे समय तक इन सबको जेल में रहना होगा जी। और इस मामले के जो और दोषी हैं जी, वो सब पकड़े जाएंगे जी। तो अभी फौरी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने CBI जांच के आदेश कर दिए जी। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ताजा अपडेट हम आपको इस मामले में बता रहे हैं, जितना बड़ा ये घोटाला था अब उसमें गंभीरता सरकार दिखा रही है। कर्मचारियों का पैसा ना फंसे, दूध का दूध पानी का पानी हो, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, इसके लिए अब CBI जांच की भी बात यहां पर तय हो गई है। CBI की जांच होगी तो भ्रष्टाचार की सारी पोल खुलेंगी। ऊर्जा विभाग में जिस तरह से ये महाघोटाला सामने आया था उसके बाद भारत समाचार की खबर का ये असर देखने को मिला है कि अब यहाँ पर PK गुप्ता, सुधांशु द्विवेदी अब यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जांच होगी, CBI जांच होगी। CM योगी ने मामले को CBI को सौंपा है। बिजली विभाग में सबसे बड़ा घोटाला
कर्मचारियों के पैसे के साथ खेल। खबर के बाद सरकार ने लिया संज्ञान, कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मुंबई की विवादित कंपनी DHFL के साथ यूपी सरकार के कथित सौदे को लेकर लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। UPPCL ने कथित रूप से अपने कर्मचारियों के 1600 करोड़ रुपए के फंड का DHFL में निवेश किया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने सरप्लस कर्मचारी निधि को DHFL की सावधि जमा योजना में मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक जमा कर दिया। इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज ट्रस्ट के महाप्रबंधक PK गुप्ता को निलंबित कर दिया है और विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा अब सुधीर आर्य को दे दिया है, जो इस पूरे मामले को देखेंगे। प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला, तो वहीं सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि सरकार इस मसले पर गंभीर है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि योगी सरकार को यह पता करने के लिए तत्काल एक जांच शुरू करनी चाहिए कि किसके निर्देश पर बोर्ड ने सरकारी निधि को एक संदिग्ध कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया। मेरी नजर में ये एक और घोटाला लगता है जिसकी गहन जांच की जरूरत है। इस 3 वर्ष के दौरान पावर सेक्टर एम्प्लॉय ट्रस्ट की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कितना सुनियोजित घोटाला था। तो मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह न केवल बिजली कर्मचारियों के उनके ट्रस्ट के पैसे के घोटाले का मामला है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी हो गया है। ऐसी स्थिति में इसकी CBI जांच होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो कंपनी पहले से ही डिफॉल्टर है, उस पर पैसा क्यों लगाया गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी या कुछ और ही मामला था? इधर बिजली कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि उनकी जमा पूंजी कभी वापस मिलेगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चल बढ़ते आगे, बलिया से खबर है जहां पर पटाखा दागने को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। एक समुदाय के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। पटाखा दागने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। हत्या से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पहले भी कई बार दोनों समुदाय आपस में भिड़ चुके हैं। सिकंदरपुर के काजीपुर गाँव का ये पूरा मामला है। तो बलिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरह से युवक की हत्या की गई है, पीट पीट कर हत्या की गई है। पटाखा दगाने को लेकर विवाद हुआ, पहले भी ये दोनों पक्ष एक आमने सामने आ चुके थे। हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको बलिया की दिखा रहे हैं। तो बलिया में बवाल की ये तस्वीरें, जहां पर किस तरह से आज माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया है। तनावपूर्ण स्थिति बलिया में बनी हुई है। लगातार तस्वीरें हम आपको बलिया की दिखा रहे हैं, जहां पर एक समुदाय के युवक की हत्या कर दी गई है, पीट पीट कर हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक पटाखा दगाने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। इससे पहले भी ये दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके थे। आज फिर जब यहां पर विवाद हुआ और उसके बाद एक समुदाय के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको बलिया की दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, पटाखा को लेकर विवाद, एक युवक की पीट पीट कर हत्या, हालात तनावपूर्ण है, बलिया में क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? भी शैलेन जी, देखिए ये सिकंदरपुर थाने का मामला है, जहां पे दो वर्गों के बीच में ये मामला हुआ है पटाखे को लेके। चूंकि आज छठ का मौका था और इस छठ के मौके में जो महिलाएं थी और उनके साथ जो व्यक्ति चल रहे थे, उन्होंने पटाखा फोड़ा और इस पटाखे फोड़ने को लेके जो चिंगारी है वो दूसरे जो समुदाय का जो व्यक्ति था उसके आसपास जाके गिरी और फिर उसके बाद तूतू मैं शुरू हुआ। फिर उसके बाद दोनों वर्गों से लोग इकट्ठा होने के बाद लाठी डंडे चलने लगे। बिल्कुल, यहां पर हिंसा हुई और उसके बाद युवक की जान भी गई है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कैसे हालात को सामान्य करती है। जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, CRPF कैंप में हुए हमले के मामले में रामपुर में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 12 सालों के बाद आखिरकार ग्रुप सेंटर पर हुए हमले के दोषियों को सजा सुना दी गई। रिपोर्ट देखिए। रामपुर CRPF पर हमले का मामला, 6 दोषियों को सजा सुनाई गई, 4 दोषियों को फांसी की सजा, 1 दोषी को उम्र कैद की सजा मिली।
एक दोषी को 10 साल की सजा मिली। 2007 में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ था हमला, 12 साल बाद फैसला, आतंकी हमले में 7 जवान हुए थे शहीद। करीब 12 साल पहले सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले के 6 दोषियों को शनिवार को सजा सुना दी गई। आतंकी हमले में शामिल 6 में से 5 को फांसी की सजा सुनाई गई। इस आतंकी हमले में इमरान, शहजाद, फारूक, सबाउद्दीन को फांसी की सजा, जंग बहादुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला जज संजय कुमार ने सजा सुनाई। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर पर आतंकी हमले के मुकदमे में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने 8 में से 6 को दोषी माना। दोषियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक भी हैं। शुक्रवार को अदालत ने सजा पर फैसला नहीं सुनाया था। इसी मामले में 2 अभियुक्तों पर आरोप न सिद्ध होने की वजह से अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक, इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और जंग बहादुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फहीम अरशद अंसारी को, क्योंकि उसका मामला अलग था, इसलिए उसको 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया। अब आपको बताते हैं कि रामपुर में 31 दिसंबर 2007 को हुआ क्या था। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुआ था हमला। 31 दिसंबर 2007 की रात 2:30 बजे आतंकी हमला। आतंकी गेट नंबर 1 से अंदर घुसे, गेट पर मौजूद जवानों पर गोलियां बरसाईं, हैंड ग्रेनेड भी फेंके। आतंकियों ने AK-47 से गोलियां बरसाईं। हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए। गेट के बाहर सो रहे रिक्शा चालक की भी मौत हो गई। 12 साल बाद कोर्ट ने रामपुर के इन गुनाहगारों को उनकी सजा सुना दी है, जिसके बाद न्याय का रामपुर का इंतजार पूरा हुआ और देश के गुनाहगारों को सबक भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी ने छठ महापर्व की प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने गोमती किनारे घाट पर जाकर सूर्य को अर्घ भी दिया। रिपोर्ट देखिए। सियासत के साधु की छठ साधना। छठी मैया सुन लिया रजिया मां। सीएम का भोजपुरी अंदाज। सब भोजपुरी समाज के हमरा तरफ से छठ के बहुत बहुत बधाई। छठ जितना आस्था के नजरिए से जरूरी है, उससे ज्यादा राजनीति के लिए लाभकारी है। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में आस्था को कैसे फिट किया है और कैसे उनकी छठ पूजा से आगे छठी मैया प्रसन्न होने वाली हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले छठ पर योगी ने पहली बार भोजपुरी में बधाई देकर पूर्वांचल के दिलों में उतरते चले गए। सब भोजपुरी समाज के हमरा तरफ से छठ का बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सब कर कल्याण करे, सबके ऊपर उनकर कृपा बनल रहे। जय छठी मैया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं। उनकी नजर जहां होती है, विरोधी वहां तक देख भी नहीं पाते। योगी केवल छठ पूजा की बधाई तक नहीं रुके, गोमती के घाट पर पहुंचकर छठ साधना की, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। सीएम की छठ पूजा करते हुए ये तस्वीरें सियासी हलके में पूर्वांचल को साधने की रणनीति के तहत देखी जा रही हैं। योगी यूं ही योगी नहीं कहलाते। जिस गोमती के किनारे को लेकर सपा ढोल पीटती है, उसी नदी के किनारे से योगी ने 2 मिनट में ऐसा संदेश दिया जिसने यूपी के करोड़ों हिंदू वोटरों को अपना बना लिया। पूजा, उपासना, ये अनुष्ठान, ये पर्व, ये आस्था के आयोजन हम सबको एक सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करते हैं। छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन में आए, हम देश और समाज के किसी योग्य बन सके। जैसे जैसे योगी सूर्य को अर्घ दे रहे थे, वैसे वैसे छठ व्रतियों और पूर्वांचल के 27 जिलों की 26 लोकसभा सीटों और 130 विधानसभा सीटों से सियासी समीकरण को मजबूत करते जा रहे थे। भोजपुरी समाज के आप सभी भाइयों बहनों को
हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सीएम का बधाई संदेश और उन्हें पूजा करते देख वोटरों के दिल में भी सीएम योगी के साथ खास कनेक्शन जुड़ता है और मौजूदा समय में ऐसे कनेक्शन की कोई काट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर लखनऊ में अब डीजल टेम्पो ऑटो नहीं चलेंगे, बढ़ते प्रदूषण को लेकर एसएसपी ने आदेश दिया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब पुलिस और नगर निगम दोनों सख्त हो गए हैं। लखनऊ में प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है और डीजल ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अब लखनऊ प्रशासन सख्त है। प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए सीएम योगी ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई थी। लखनऊ में अवैध तरीके से दौड़ रहे डीजल ऑटो और टेम्पो के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश एसएसपी नैथानी ने दिए हैं। जितने भी डीजल चालित ऑटो, टेम्पो या अन्य वाहन इस तरह के हैं जो प्रदूषण कारित करते हैं और साथ ही जो गैर जनपद के अनऑथराइज्ड हैं, जो जनपद की सीमा के अंदर आकर जिनका संचालन दिखाई पड़ता है यदि कहीं पर, तो उसका एनफोर्समेंट के लिए एसपी ट्रैफिक को कहा गया है कि वो आरटीओ जो हैं उनके साथ समन्वय बना करके एक अभियान चलाएं। इसके साथ ही एलडीए नगर निगम की ओर से भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी में सभी छोटी और बड़ी इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ईंट भट्टों को बैन कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एलडीए ने 220 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर आज योगिनी जानकी दादी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासिका जानकी दादी हैं, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज सीएम योगी पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बलिया से ही खबर है, जहां पर उंभा थाना क्षेत्र के बिलथरा रोड पर स्थित देसी शराब की दुकान में ओवररेटिंग का खेल चल रहा है। शराब दुकानदार देसी शराब की बोतल में कच्ची शराब भरकर ज्यादा दामों पर बेचता है, जिसको लेकर ग्राहकों ने शराब की दुकान पर हंगामा काटा। इधर नोएडा बायर्स के लिए कब्जा तो बिल्डरों के लिए ऐशगाह बनता जा रहा है। कोई ना कोई बिल्डर बड़ा घोटाला कर बायर्स को लूट रहा है और इस बार यूनिटेक बिल्डर ने बायर्स के अरबों रुपए लूट लिए। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 113 की ये टावर 2012 से लेकर 2019 तक बनाए गए। इन्हीं टावरों को दिखाकर यूनिटेक 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की कीमत तक फ्लैट बेचता था और प्राधिकरण आंखें मूंदे बैठा रहा था। यूनिटेक पर प्राधिकरण का 1203 करोड़ रुपए बकाया था, लिहाजा 3 दिन पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने इसका आवंटन रद्द कर दिया। 2012 में यूनिहोम सीरीज का एक प्रोजेक्ट आया था और इसमें मैंने अपना CLP प्लान में इन्वेस्टमेंट किया था। मान के चलिए लगभग 1600 से 1700 लोगों का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट है। एक पैसा घर में जोड़ करके जो है ये पैसा सारा उसमें डाल दिया उठा करके जो है। इन्होंने तो लूट लिया हमको, जो हमारी जिंदगी की सारी कमाई इन्होंने जो है खा लिया। ये सारे के सारे टावर अवैध है। इन टावरों का कोई भी नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया है। इसने पूरे देश में 75 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और लगभग हर प्रोजेक्ट का यही हाल है। हर प्रोजेक्ट इसको जो है नोएडा अथॉरिटी ने जो है इसका नक्शा नहीं पास किया, तब पर भी ये प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया। बायर्स का कहना है कि यूनिटेक ने प्राधिकरण की मिली भगत करके बड़ी लूट को अंजाम दिया है। सरकार प्राधिकरण सब इनकी मुट्ठी में होते हैं, जिसके कारण आम जो जनता है, फ्लैट बायर है, वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि 17 टावर बन जाते हैं हवा में, कोई उनकी जांच नहीं होती है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर जो बर्बाद बायर्स हैं उनका क्या होगा और कब तक जो है उनको सुकून मिल पाता है, उनका जो खून पसीने की जो उनकी कमाई है उनको वापस मिल पाती है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश रीज, भारत समाचार, नोएडा। इधर मुजफ्फरनगर में बीती रात बदमाशों ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाश हाथों में हथियार लेकर पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसे और कर्मचारियों से 10,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया।
तो मुजफ्फरनगर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाइव लूट की घटना सामने आई। किस तरह से हथियारों से लैस ये बदमाश पहुंचे हैं और उन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लूट की वारदात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव लूट की तस्वीरें। पेट्रोल पंप पर किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, पैसे किस तरह से बदमाश लूट रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो गाड़ी आ गई ना बाहर तेल लेने के लिए, निकल गए। थाना नई मंडी क्षेत्र भोपाल रोड पर एक पेट्रोल पंप है, दो बाइकों पर सवार होकर बदमाशों द्वारा कैश की छिनती की गई है, जिनका फुटेज है। पुलिस फुटेज का गाल ले है, सर्विलांस टीम लगी हुई है, स्वाट टीम लगी हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। इधर वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के औसनगंज इलाके में खुलेआम मनबड़ युवकों ने सुतली व्यापारी पर हमला किया। युवकों के हमले से सुतली व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सुतली व्यापारी को पीटा गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की सड़कों पर किस तरह से खुलेआम गुंडाई की जा रही है। सुतली व्यापारी को पीटा गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो युवकों की दबंगई की तस्वीरें हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। इधर कौशाम्बी में डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उद्यान सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। डीएम ने बैठक में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्य का नियमित रूप से अनुसरण करें और ठेकेदारों के भरोसे काम को न छोड़ें। तो कौशाम्बी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम ने बैठक की है। एक्शन में कौशाम्बी के डीएम नजर आए हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इधर बुलंदशहर में आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को अपनी जान जोखिम में डालकर बंद कमरे से बाहर निकाला गया है। युवक मिट्टी के तेल में पूरी तरीके से भीगा हुआ था और अंदर कपड़े सामान में आग लगा रखी थी। पुलिस के पीआरवी जवानों को सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने दरवाजे की किवाड़ तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और मिट्टी के तेल से भीगे युवक को बाहर खींच कर लेकर आए। पीआरवी कर्मचारियों को शालिनी पुलिस अधीक्षक 112 उत्तर प्रदेश लखनऊ ने सम्मानित किया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीर है, जहां पर सिपाहियों ने किस तरह से जान बचाई। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की। तो अब हम आपको छठ की चार जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने छठ पूजा की है। दूसरी तस्वीर वाराणसी, तीसरी झांसी और चौथी गोरखपुर की है, जहां पर डूबते सूर्य को आज अर्घ दिया गया है। तो चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से आज अस्ताचलगामी सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया है। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी की तस्वीरें हैं, जहां पर व्रतियों घाट पर पहुंची हैं और सूर्य को अर्घ दिया है। कल उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ व्रत पूरा होगा, लेकिन उससे पहले आज पहला अर्घ था जो अस्ताचलगामी डूबते सूर्य को व्रतियों ने दिया है। सुख समृद्धि शांति यहाँ पर कामना की गई है। तस्वीरें हम आपको चार अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हो पिया
तो भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार देखिए यूपी टॉप 15। नमस्कार।